हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मैगी। मैगी सभी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। आप इसमें अपने बच्चों की पसंद की सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वेज मैगी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि वेज मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मैगी ली हुई है, उसके साथ में 2 पैकेट जो टेस्ट मेकर आता है उसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1 कटी हुई हरी मिर्च, आधी कटोरी मटर के दाने, शिमला मिर्च, टमाटर कटा हुआ, बारीक कटी हुई प्याज और इसे बनाने के लिए तेल। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस में एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पैन हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें तेल डाल देंगे। तो तेल भी हल्का सा गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे लाइट ब्राउन ही भूनना है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो प्याज हमारी अब भून गई है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही साथ इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। अगर आपके बच्चों को तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्च ना डालें। मटर डाल देंगे। अब हम इन सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। शिमला मिर्च, गाजर डाल देंगे। अब हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे जिससे कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये हल्की सी क्रंची अच्छी लगती है। इन्हें ढक के पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं अच्छे से, एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैं एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो लाल मिर्च पाउडर ना डालें, 1 गिलास पानी डाल देंगे। अगर आपको सूपी मैगी पसंद है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम ये मैगी को इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। अब मैगी हमारी 50% कुक हो गई है, अभी हम इसे ढक के पकाएंगे जिससे ये अच्छे से कुक हो जाएगी। लास्ट में हम टेस्ट मेकर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से और कुछ सेकंड के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मैगी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरीके से आप मैगी में सब्जियां डाल के इसकी पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं और आपके बच्चों को पसंद भी आएगी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।